और सोई क्या अभी क्या? नहीं बेटा, 10 बजने वाला, आप उठ जाओ। फ्रेंड, ये ब्लॉग भी है मेरा, सारी ब्लॉग। फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग भी है मेरा, सारी ब्लॉग। तो कैसी लग रही हूँ मैं? चलिए छोड़िए, कैसी भी लग रही हूँ। तो बस आप लोग बने रहिए ऐसे मेरे ब्लॉग पे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, मेरा वॉच टाइम बढ़ाने में मेरी मदद करिए, और सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:30 जैसा हो रहा है, और मेरा नहाना कंप्लीट हो गया, हेयर वॉश की हूँ आज मैं, और अभी थोड़ा सा भगवान का ध्यान धर लूँ, पूजा पाठ कर लूँ थोड़ा सा। और सांगी तो अभी भी सो रही है, और इसके पापा मतलब मेरे हस्बैंड वो ड्यूटी चले गए हैं, तो सानवी को भी मैं नहीं उठाई हूँ क्योंकि ट्यूशन में अभी उसका छुट्टी है। आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, और तब तक मैं अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ, क्योंकि जानते हैं घर में बच्चे रहते हैं ना, तो काम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, वो उठ जाएगी ना तो उसके पीछे मुझे भागना दौड़ना पड़ेगा। तो इन्जॉय करिए, मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। और फ्रेंड, अगर आप लोग नहीं आते हो मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। और गाइज, मेरा तो लगता है कि सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो जाएगा, बट वॉच टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गाइज। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और अगर मेरे वीडियो पर आते हैं तो फुल वॉच करके जाया करिए, अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं, उत्साहित होते हैं हम लोग भी कि चलो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है। लेकिन मेरा सब्सक्राइबर तो मुझे लगता है कि हो सकता है कंप्लीट हो जाए, बट वॉच टाइम के लिए मुझे टेंशन लग रहा है, वो नहीं हो पाएगा। आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर होगा, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फुल वॉच करके। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देखेंगे मेरे वीडियो को। हो गई पूजा, और अब समय है पेट पूजा करने की तैयारियों का। तो चावल मैं चढ़ा के गैस पे और नहाने चली गई थी, तो पूजा करते करते मेरा चावल हो गया है, और अभी मैं जा रही हूँ उसका मार निकालने। ये देखिए, कपड़ा भी देना बाकी है बाहर, जो धोई थी उसे मैं दे के आती हूँ। और मौसम तो थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है, लग रहा है जिससे बारिश होगा फिर से, फिर भी दे देती हूँ, देखती हूँ होगा या नहीं। दाल भी हो गया है लगता है, क्योंकि इसमें आज सीटी ही नहीं लगा है, एकदम लो फ्लेम करके चली गई थी नहाने, एक तरफ चावल एक तरफ दाल चढ़ा के। और आने के बाद मैं सीधे गैस ऑफ करती हूँ, इसमें सीटी लगा ही नहीं है, बट दाल तो पूरी तरह से गल गया है। और इसी में मैं आलू डाल दी हूँ, इसका मैं चोखा बनाऊँगी, और आज आलू सोयाबीन का सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह ही ड्यूटी चले गए हस्बैंड, तो मार्केट जाने का समय नहीं मिला, सब्जी कुछ है नहीं घर में, तो सोयाबीन रखा हुआ था। तो ऐसे भी मेरे यहाँ बहुत कम बनता है सोयाबीन, तो मैं सोची कि चलो आज कोई सब्जी नहीं है तो सोयाबीन बना देती हूँ। हालांकि यहाँ पे ठेले पे आता भी है सब्जी बेचने, बट मूड नहीं किया लेने का, तो बोले थे कि अच्छा ठीक है सोयाबीन बना देना, तो सोयाबीन खाने का भी मन था इसलिए मैं सोयाबीन की ही सब्जी बनाऊँगी। सब्जी बाजार से आएगा बाद में शाम तक। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग बेटा, आजा 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 आजा। और सोई क्या अभी क्या? नहीं बेटा, 10 बजने वाला, आप उठ जाओ, मन नहीं लग रहा, मेरा पापा ड्यूटी चले गए ना, मैं अकेले अकेले हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, उठो ना।
ऐसा बे बाबू इधर देखो ना, एक बार देखो ना इधर, आजा आजा मेरा बच्चा, आजा 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 आजा, उठ जा उठ जा। ओले बाबा ठंडा भी लग रहा है ना। अभी उठने का मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद देखती हूँ। वैसे उठ चुकी है वो, 5 मिनट थोड़ा सा लेगी, उसके बाद धीरे धीरे उठेगी। फ्रेंड अभी तक मैं बेड ठीक नहीं की थी, क्योंकि आपने लोगों ने देखा कि सानवी काफ़ी लेट तक सो रही थी, तो वो सो के उठी है। उसके बाद मैं इधर आई हूँ अपना बेड ठीक करने, तो मच्छरदानी बस फोल्ड करके रख दूँगी और चादर से फोल्ड करके रख दूँगी, और बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, यही रहेगा। बस थोड़ा सा अच्छी तरह से बिछा दूँगी इसे मैं टाइट करके, और झाड़ दूँगी। बस हो गया मेरा बेड के लिए। फ्रेंड जितने भी नए कपड़े थे सब वॉश तो हो गया था, बट उसे अरेंज करके अभी अलमारी में नहीं रखी हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे सब रखती हूँ। सानवी का कपड़ा अलग रखी हूँ, मेरा अलग है, मेरे हस्बैंड का तो सिर्फ अभी एक शर्ट है, और जींस अभी सूख रहा है, ठीक से सूखा नहीं है, और अलमारी भी मेरा खुला है देखिए। तो मैं जा रही हूँ सारे कपड़ों को रख देने। बेटा ये भी एक काम पड़ा हुआ है, तो लग रहा है कब इसे रखूँ कब रखूँ, रख लूँगी तो शांति हो जाएगा मुझे। तो फ्रेंड अभी रात के 8:30 होने वाले हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, सिर्फ लिपस्टिक डिप लग रहा है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दुर्गा पूजा तो ख़त्म हो गया, विजयदशमी भी हो गया है, तो फिर इस टाइम कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जा रहे हैं विसर्जन देखने के लिए। तो हस्बैंड अभी फ़ोन किए, बोले रेडी हो जाओ, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। वहीं पर पुलिस लाइन के पास ही जा रही हूँ, तो वहीं से थोड़ा देखूँगी। पूरा पटाखे का आवाज़ आ रहा है, धूमधाम से विसर्जन हो रहा है, तो घर पर बैठे क्या करूँ, खाना भी बन गया है मेरा, पटाखा लेके जाना, खाना भी बन गया है, तो सोची कि चलो एक बार देख के आती हूँ घर बैठे क्या करूँगी। और हस्बैंड भी ड्यूटी में बिजी है, तो घर में सुना सुना जैसा लग रहा है, अकेला अकेलापन। तो क्या मुँह में छी छी छी, ठीक है। तो बस मैं और शानवी दोनों रेडी हो गए है ना बेटा। ये देखो लाइट, कल बॉल आया लाइट वाला, और आज तोड़ दे, देख लीजिए पहले से भी तो चलते हैं ना गाइस। ये देखो टन टरा ट ट ट ट सानवी अभी वहाँ पर है, बर्गर खाने का जिसका मूड हुआ है, तो उसके पापा उसके लिए बनवा रहे हैं वहाँ पे बर्गर, और ये इधर खेल रही है। हम लोग अभी गैलेक्सी मॉल के पास है, ये है मॉल। बेटी का फरमाइश तो पापा हमेशा पूरा करते हैं, तो वो बोली मुझे बर्गर खाना है आज, ये रोल नहीं खाना, नहीं तो बाहर आने पर ज़्यादा से ज़्यादा ये रोल ही खाती थी, लेकिन आज बोले कि रोल नहीं खाना है मुझे बर्गर खाना है, तो पापा उसके लिए बर्गर लाने गए हैं। ए शानवी इधर आ जा बेटा, क्या खाएगी शानवी? बर्गर बर्गर